सभी को बारी बारी से इसे पलटना है फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लड्डू बाबू ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो आज का न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग आलू का पम्पम बनाने वाले हैं, वो भी झटपट और खतरनाक तरीके से, वो भी मेरी पत्नी का स्टाइल से। तो अगर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पहले से मेरे ब्लॉग को आप लोग यदि सब्सक्राइब किए हैं चैनल को तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए हम लोग बहुत सारे आलू लिए हैं, लेकिन सबसे पहले एक आलू लेते हैं, इसका छिलका हटा लेते हैं। देखिए मेरी पत्नी अभी छिलका हटाएगी अच्छा तरह से। तो फ्रेंड्स आज हम लोग बना रहे हैं पम्पम। तो पम्पम बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे आलू। तो आलू हम लोग मीडियम साइज का लेंगे ना बड़े लेंगे तो भी चलेगा, छोटे भी रहेंगे तो भी चलेगा। तो हम लोग मीडियम साइज का लिए है फ्रेंड्स आलू। तो चलिए हम लोग इसको, तो फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे आलू लिए हैं तो हम लोग इतना देखिए मीडियम साइज का आलू ले लिए हैं। तो चलिए इसको फटाफट से छील लेते हैं। देखिए ये छील फटाफट से छिला जाएगा। इसे पूरी अच्छी तरह से छिलका उतार लेंगे। फ्रेंड्स देख सकते हैं हम लोग तीन मीडियम साइज के आलू छील लिए हैं। तो हम लोग जो है इसको साइड से इसे कटिंग कर देंगे। देखिए कट गए ताकि ये इजीली से इस तरह से रखा जाए। देख सकते हैं ये इसे बैठ गया। तो इसी तरह से सबको काट लेंगे। देखिए ये भी बैठ गया। ये भी इस तरह से बैठ गया। इसी तरह से और भी जितने भी हैं सबको छील के फटाफट से हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। तो इसको पूरा नहीं काटेंगे फ्रेंड्स, हल्का हल्का काटेंगे पर नीचे तक नहीं काटेंगे। इसको इजीली से काटना है, देख सकते हैं। बहुत ही मेहनत है फ्रेंड्स काटने में। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे जो ये पूरा नीचे तक ना कटे, नहीं तो ये जो है बनने में दिक्कत हो जाएगा। तो देख सकते हैं इसको एक साइड से पूरा अच्छी तरह से काट लिए हैं। देख सकते हैं इसको इसे काटना है, देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसको ऐसे भी काट लेते हैं। चलिए अब इसको ऐसे भी काट लेते हैं। तो फिर देख सकते हैं ये कितना ही सुंदर कट गया। तो इसको ऐसे ही काट लेना है। चलिए अब ध्यान रहे जो अंगुली ना कट जाए, नाखून उखुन बचा के काटना है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं ये एक साइड से पूरी अच्छी तरह से कट गया है, देख सकते हैं। चलिए अब इसको ऐसे काटते हैं। तो देख सकते हैं कितना ही अच्छा इजीली से कट गया, देख सकते हैं। इसको पानी में डुबा देंगे तो ये अच्छे तरह से फ्रेश हो जाएंगे, देख सकते हैं। देख सकते हैं पूरी अच्छी तरह से हम लोग इसको कटिंग कर लिए हैं, देख सकते हैं सब वैसे ही सारा का सारा कटिंग कर लिए हैं। और एक हम लोग पतीला में देखिए 4 कप पानी डाल लिए हैं और इधर भी 1 कप पानी है। तो इसमें हम लोग डालेंगे नमक, तो 1 चम्मच हम लोग इसमें डाल देंगे नमक और 1 चम्मच डाल देंगे
ताकि सब अच्छी तरह से इसमें तुम घोल लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें हम लोग पानी में डाल देंगे। मिला देंगे पूरा अच्छी तरह से पानी में नमक को, और इस आलू को जो है इसमें डाल छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अभी आलू को डाल देते हैं, 30 मिनट या 45 मिनट तक छोड़ देंगे इसमें। ये अब इसका एक कुटिल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे एक कटोरा मैदा, तो इसको इसमें डाल देते हैं प्लेट में। एक कटोरा मैदा ले लिया। तो फ्रेंड्स इसमें डालने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गोलकी पाउडर, सबसे लास्ट में लेंगे हल्दी, और इसमें नमक भी डालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें डाल देते हैं सभी को। दो बेटा, दो बेटा, बाबू एक पकेगा उसके बाद खाना बेटा। इसको सभी को डाल देते हैं फ्रेंड्स। देखो तो फ्रेंड्स ये सभी को मिला देंगे अच्छी तरह से। लो लो देखिए बाबू मिला रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद अनुसार एक चम्मच नमक। कम ही डालेंगे नमक क्योंकि हम लोग पानी में बॉयल होने के टाइम 2 चम्मच नमक डाले थे, तो इसमें हम लोग 1 चम्मच डालेंगे। ये सबको भी मिला देंगे सबको। तो फाइनली फ्रेंड्स हमारा इधर 35 से 40 मिनट हो गया, तब हम लोग इसको पानी से निकाल लेते हैं। और देख सकते हैं कितना अच्छी तरह से खुल गया है सब आलू, देखिए देख सकते हैं। इसको चलिए झाड़ लेते हैं और फ्लैट साइज को नीचे करके इसको रख देते हैं चिट्टी कपड़ा में। इसको अच्छी तरह से पानी को ठीक कर लेंगे। हाँ बेटा झाड़ लेते हैं पानी को। कटा हुआ हिस्सा को नीचे करके थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, जो भी इसमें पानी है वो निकल जाएंगे अच्छी तरह से। देखिए इसमें पानी निकल रहे हैं, तो इसको अच्छी तरह से झाड़ लेंगे। देख सकते हैं पूरी अच्छे से हो गया है। अब इसमें जो है देखिए जितना इसको मसाला को तैयार किए थे इस आलू इसमें डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मखाएंगे आलू में मसाला को। हाँ बेटा बारी बारी से देखिए अंदर में मसाला घुसना चाहिए फ्रेंड्स। तो फिर देख सकते हैं इसमें आराम आराम से मैदा को घुसा लेंगे। देखिए इधर साइड साइड में नहीं गए हैं देख सकते हैं, तो चलिए इसमें घुसा देते हैं। तो फ्रेंड्स पानी वाला हिस्सा में देखिए जो नमी है इसमें भी घुसा देना है, देख सकते हो गया देते हैं। बारी बारी से इसे सबको कर लेंगे। तो देख सकते हैं इसमें भी पूरा अच्छी तरह से हो गया है, तो इसको भी रख देंगे। इसी सभी को कर लेना है। फाइनली दोस्तों गैस को हम लोग ऑन कर लेते हैं, और इसमें हम लोग गर्म होने के लिए तेल को चढ़ा देंगे कढ़ाई को। इसमें तेल गर्म होगा और इसमें तेल डालेंगे, इसमें तेल में नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग इसमें तेल डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स
गैस का फ्लेम को भी हाई रखेंगे ताकि झट से तुम्हारा जो तेल है वो गर्म हो जाए। देखिए हम लोग सभी आलू में मैदा लगा दिए हैं, देख सकते हैं ये देखने में कौन सा आकार का लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये मेरे अनुसार ये तो पूरा कोरोना वायरस लग रहा है, देख सकते हैं देखने में पूरा लग रहा है कोरोना वायरस जैसा। तो इसको कोरोना वायरस को भी छानना है फ्रेंड्स, तेल इधर गर्म हो रहा है हम लोग का, कोरोना वायरस खा रहा है। तो चलो डाल लेते हैं, देखिए सभी को डाल देंगे। तो फ्रेंड्स कढ़ाई में देखिए सब डाल दिए हैं आलू को, और देखिए सब धीरे धीरे पक रहे हैं लो फ्लेम में, आंच को है और देखिए पक रहा है सब धीरे धीरे। इसको 5 मिनट तक पकाते रहेंगे ऐसे ही। तो फ्रेंड्स ये 4 से 5 मिनट तक हो गया, तो इसको अच्छी तरह से पलट लेंगे। इस सभी को बारी बारी से इसे पलटना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग 4 मिनट ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स पूरी तरह से पक गया है, देखिए अब इसको तेल से निकाल देते हैं, बारी बारी से इसको अलग कर लेंगे तेल से, एक प्लेट में रख देंगे। बेटा तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हमारा आज का पॉम पॉम कितना ही क्रिस्पी और कितना ही लाजवाब बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं इधर से भी पूरा पीछे साइड से भी पूरा पक के तैयार हो गया है। देखिए थोड़ा इधर है लेकिन देखिए पूरा ही एकदम वाह करारा बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं कितना ही रटपटा रटपटा वाह जा। देखिए बाबू इधर खाने के लिए बेताब है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को खा के बताती हूँ जो कैसा हमारा आज का पॉम पॉम बन के तैयार हो गया। तो चलिए हम लोग इधर किसान में डाल के बताते हैं, मिला के खाएंगे। चलिए बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, क्या बोले देख सकते हैं अंदर से पूरा कच्चा बाहर एकदम बहुत ही अच्छा लगा, सच में रियली में बहुत ही टेस्टी लगा, बहुत ही टेस्टी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिए, बना के खाइए, बहुत ही इजीली है। देख सकते हैं बाबू भी खा रहा है, वाह कैसा लगा। बाबू बहुत खुश है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी जरूर प्लीज आप लोग बना के खाइए, बहुत ही टेस्टी लगा फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करती हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही बच्चा मेरा छोटा है, रुला रुला के हम लोग काम करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को हम लोग को लाइक कर दीजिए, चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए। तो आज का ब्लॉग में इतना ही, फिर और एक न्यू ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाबू बाय बाय।